देखिए, सेना का मुंहतोड़ जवाब और मोदी सरकार किस तरह से एक्शन में आ गई, ये सब कुछ हम आपको दिखाएं। लेकिन आज जो देश नहीं झुकने देंगे में, हम आपको एक ऐसी तस्वीर, ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो आज लगातार दिन भर चर्चा में रही, जिसकी हर घर में चर्चा हो रही है, हर कोई परेशान है, हैरान है, जिसे सुनकर आप यकीन मानिए सिहर उठेंगे। वैसे खबर आप तक पहुँच चुकी होगी, लेकिन तस्वीर आप तक पहुँचाना ज़रूरी है। देखिए, आइसक्रीम के शौकीन हर मौसम में खाना इसे पसंद करते हैं, लेकिन इस भीषण गर्मी में ज्यादातर घरों में एक या दो दिन के गैप में आइसक्रीम आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर ही देते हैं। मतलब ऐसा होता होगा, गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है और जानते हैं ये क्या है। मतलब आप सोचिए एक बार को, कल्पना करिए कि अगर आइसक्रीम आप खा रहे हो और आधे से ज्यादा आइसक्रीम खाने के बाद आपको उस आइसक्रीम में एक इंसान की कटी हुई उंगली मिले। आप में से कई लोगों जिन्होंने पहली बार खबर देखी होगी, आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन ये फैक्ट है। ये आइसक्रीम ऑनलाइन ऑर्डर की गई और आइसक्रीम खाते खाते कटी हुई उंगली आइसक्रीम के अंदर। मैंने भी पहली बार खबर सुनी, मुझे भरोसा नहीं हुआ, मैंने तस्वीरें देखी, जिसको ये मिली उस शख्स का बयान मैंने सुना। अब फोरेंसिक जाँच के लिए इस कटी हुई उंगली को भेज दिया। ये सब ऑनलाइन ऑर्डर जब किया जाता है। अभी मेरे को अभी याद आ रहा है, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, पटियाला में एक केक ऑर्डर किया था, वो केक खाने से बच्ची की मौत हो गई थी। ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी का जो कल्चर है ना, उसमें बहुत सस्ते दामों में आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर दिया जाता है। और पटियाला में उस बच्ची की मौत हुई, तो उसके बाद जो केक डिलीवरी का सेंटर था, जब वहां तक पुलिस जांच एजेंसियां पहुंची, तो वो सेंटर वहां था ही नहीं। ये वर्चुअली जो है ऑनलाइन फूड डिलीवरी में, वो वर्चुअल था सब कुछ, और वो बच्ची की मौत और केक जहां से डिलीवर हुआ था ही नहीं। अब यहां पर क्या हुआ, ये ऑनलाइन ऑर्डर की गई आइसक्रीम, और आइसक्रीम खाते खाते, ये खबर दरअसल मुंबई के मलाड की है। मैं दोबारा से बताऊंगा, मुंबई के मलाड की इस खबर ने देश के हर घर परिवार को मतलब हैरान परेशान कर दिया साहब, क्योंकि हर कोई ऑर्डर करता आइसक्रीम, गर्मी इतनी पड़ रही है, हर कोई एक दो दिन के गैप में। मलाड के रहने वाले जिन्होंने ऑर्डर की, वो एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया, सुनते जाइए, और अपने लिए एक कोन वाली आइसक्रीम मंगवाई। डॉक्टर साहब ने आधी से ज्यादा आइसक्रीम खा ली, तब उनको आइसक्रीम में एक टुकड़ा मिला। डॉक्टर साहब ने जब जांच की, तो उनको पहले उन्होंने कहा कि हो सकता है कुछ, जैसे कुछ मतलब कुछ गांठ हो आइसक्रीम में, कुछ हो सकता है, लेकिन वो डॉक्टर थे, उन्होंने जांच की तो उन्हें पता लगा कि ये तो इंसान की उंगली का टुकड़ा है। शिकायत हुई, मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आइसक्रीम कंपनी के खिलाफ अब केस दर्ज कर लिया है और उंगली के टुकड़े को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। लेकिन ये बड़ा सवाल है, तो सेहत के साथ खिलवाड़ है। मतलब अगर आइसक्रीम के अंदर इंसान की उंगली का ये टुकड़ा आया कैसे? मतलब क्या होता है ना, अब तक हमने कीड़े मकौड़े, कॉकरोच, छिपकली, पता नहीं क्या क्या खाने के अंदर कभी कभी हम जाते हैं तो आ जाता है गंदगी की वजह से। तो हाइजीन का ध्यान एक तो जरूर रखना चाहिए, लेकिन उंगली का टुकड़ा, सुनिए जिसको मिली, सुनिए। मैं नॉर्मली खा रहा था, तो आइसक्रीम के बीच में पहुंचने के बाद मुझे एक बड़ा सा पीस मेरे मुंह में आ गया, तो मुझे लगा कि कभी कभी आइसक्रीम में बड़ा सा कोई नट रहता है या ऐसे चॉकलेट का पीस रहता है, तो मैंने लकीली मैंने उसको निकल नहीं लिया, तो मैंने निकाला तो मुझे लगा कि पहले कुछ तो भी काट ले जैसा लग रहा था, तो मैंने देखा कि मे बी किसी ऐसी चिकन का कुछ तो काट ले इसका पीस नहीं है। बट जब मैं एक्चुअली डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है कि ह्यूमन बॉडी का पीसेस कैसे दिखता है, और जब मैंने अच्छे से देखा उसको, मुझे एक नाखून दिखा उस पर और नीचे का ऐसे फिंगरप्रिंट के निशान भी दिख रहे थे मुझे। 26 साल के एक कंप्लेनेंट शाम को हमारे पास आए, उन्होंने बताया कि जेप्टो से कुछ उन्होंने सामान मंगाया था, वो सामान में आइसक्रीम भी था, और आइसक्रीम खाते टाइम उनको एक उसमें एक फ्लैश जैसा एक अंदाजन 1 या 1.5 सेंटीमीटर का मिला। उसके बाद वो लेके वो पुलिस स्टेशन में आए, आने के बाद उनके पास पूछताछ की और हमने एक उनका FIR लिया, और जो उनको आइसक्रीम में जो पार्ट मिला था वो हमने उधर आपको बता दें, कर्नाटक में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने से बवाल मच गया। वो तस्वीर आपको दिखाते हैं, तस्वीरें कर्नाटक के बेलगावी में है, गैंगस्टर पर पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, ये तस्वीरें फुल स्क्रीन पर दिखाइए पहले, फिर मैं आपको पूरी खबर बताऊंगा। आप तस्वीरें दिखाइए फुल स्क्रीन, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, आरोप है, और उसके बाद इसको कूट दिया वहां पर, पिटाई होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के आरोप लगे। पुलिस के मुताबिक जब गैंगस्टर जयेश पुजारी को पेशी के लिए अदालत ले जाया गया, देखिए आप,
तभी उसने परिसर के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। वहां वकील लोग इकट्ठा हो गए और फिर इसकी कुटाई हो गई। गैंगस्टर था ये, गैंगस्टर वकील इकट्ठे हुए और ये देखिए फिर क्या हुआ। आरोप है कि कुछ लोगों ने गुस्से में गैंगस्टर की पिटाई कर दी। पुलिस किसी तरह गैंगस्टर जयेश को बचाकर वहां से ले गई। पुलिस ने बताया कि इस घटना को लेकर गैंगस्टर पुजारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ये जांच कर रही है कि आखिर गैंगस्टर ने इस तरह का नारा लगाया क्यों। गैंगस्टर को कर्नाटक के आईपीएस अधिकारी आलोक कुमार को जान से मारने की धमकी के मामले में कोर्ट में पेश किया गया। वैसे ये जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, पिछले साल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कार्यालय में फिरौती की मांग करते हुए धमकी भरे फोन के भी इस पर आरोप लगे थे। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के नारे पर कर्नाटक में पिटाई हुई तो पाकिस्तान के आतंकवादियों की जम्मू में सफाई हो रही है, अब उसकी बात करेंगे। पाकिस्तान से हमें अब कोई संबंध नहीं रखना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जब पाकिस्तान घुटनों पे आएगा तब का तब देखेंगे। इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, जघन्य अपराध किया है। बढ़ती हुई वारदातों का जो आतंकवादी यहाँ पे दे रहे हैं, ये चिंता का विषय है और सरकार की पोल खुल के रहेगी जो कानून व्यवस्था के बारे में बड़ी बातें यहाँ पे करते थे। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी सरकार एक्शन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की है। बैठक में एनएसए अजीत डोवल भी मौजूद, एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल मौजूद। और रिव्यू मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन की सारी जानकारी दी गई है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है। अभी जो जानकारी मिल रही है, इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन जंगलों के अंदर आतंकवादियों की धरपकड़ चल रही है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी क्षमता और ताकत के साथ काउंटर टेरर ऑपरेशन के ऑर्डर दे दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर गृह मंत्री अमित शाह और राज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बात की है और साथ ही यह भी कह दिया है कि पूरी ताकत के साथ तैनाती की जाए जितनी भी काउंटर टेररिज्म की हमारी जो ताकत है। उधर जम्मू में हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनएसए से बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों से पूरी क्षमता से निपटने का निर्देश दे दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने अपनी आतंक विरोधी क्षमता की पूरी ताकत के साथ तैनाती के ऑर्डर दे दिए हैं। ये सारे अपडेट इस वक्त आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर में चल रहे काउंटर टेरर ऑपरेशन की जानकारी दे दी गई है। इस बात की खबर है कि अगले 40 घंटों में जम्मू में हमले का इनपुट है। ये बड़ी खबर है। अगले बताया जा रहा है कि 40 से 48 घंटों के अंदर अंदर कुछ जगहों पर हमले हो सकते हैं, जम्मू में हमले का इनपुट है। इसके अलावा सुंदरबनी, लंबेरी, नौशेरा, रजौरी और जम्मू में आत्मघाती हमलों के इनपुट मिले हैं। अगले 48 घंटों में 6 जगह अटैक हो सकते हैं, यह भी बताया गया। सूत्र भी बता रहे हैं कि जम्मू के कई कैंप चेक पोस्ट पर अटैक हो सकते हैं, आर्मी के कैंप्स आतंकवादियों के टारगेट पर हो सकते हैं। यह बौखलाहट है। ये आप समझिए, चुनाव जिस तरह से सफल तरीके से हुए, लोकतंत्र की बहाली जिस तरह से हो रही है, बंपर वोटिंग हुई है, तो आतंकवादियों के अंदर बौखलाहट है। वहीं रियासी में बस पर हमले के मामले में बड़ी खबर, 50 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। 50 संदिग्ध, सेना एक्शन मोड में है, मोदी सरकार एक्शन में आ चुकी है। 50 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने कहा है कि कल जो आतंकवादी सरहद पार से आएंगे उन्हें टुकड़े टुकड़े करके भेजेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर के डीजीपी की बहुत बड़ी स्टेटमेंट। उन्होंने कहा है कि जो आतंकवादी सरहद पार से आएंगे उन्हें टुकड़े टुकड़े करके भेजेंगे। वहीं आतंकवादियों की तलाश में रियासी, कठुआ, डोडा और दूसरे इलाकों में जंगलों में सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। डोडा में चेकपोस्ट पर हमले के बाद भागे आतंकवादियों का स्केच भी जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी ने कहा है कि जम्मू में हुए हमलों को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर में अब आतंकी भर्ती नहीं हो रही है।
इसलिए आतंकी भर्ती नहीं हो पा रही है, इसलिए पाकिस्तान अपने लड़कियों को आतंकवाद में भर्ती करवाकर जम्मू कश्मीर में हमले करने के लिए भेज रहा है। वहीं आपको बता दें, रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हुए हमले की जांच में पूछताछ के लिए 50 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। 50 महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं जिससे उन लोगों की पहचान और गिरफ्तारी में मदद मिली है। देखिए, हमले की साजिश रचने में शामिल ये हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी, कठुआ और डोडा में पिछले 4 दिनों से 4 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। 4 दिन में 4, 9 श्रद्धालुओं की मौत, 30 से ज्यादा जख्मी, 1 जवान शहीद और 2 को पहुंचाया जा चुका है जहन्नुम। 2 को पहुंचाया जा चुका है। अब देखिए, 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर ये बदला पूरा होगा। 4 घटनाओं में 6 जवान समेत कुल 49 लोग जख्मी हुए हैं। कुपवाड़ा में शब्बीर अहमद नाम के एक ओवरग्राउंड वर्कर को पकड़ा गया है जो आतंकवादियों की मदद कर रहा था, उसके पास से हथियार भी बरामद हुए। इस बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त ये है कि जम्मू कश्मीर के स्कूलों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों में राष्ट्रगान जनगण मन अनिवार्य कर दिया गया है। असेंबली में स्कूल की शुरुआत, ये ऑर्डर आ गया, सर्कुलर आ गया है। ये बड़ी खबर है, राष्ट्रगान जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों में मैंडेटरी कर दिया गया है। केंद्र ने केंद्र शासित प्रदेश के स्कूलों को यह ऑर्डर, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सर्कुलर, राष्ट्रगान के साथ स्कूल की शुरुआत असेंबली में, पहले राष्ट्रगान होगा। हर सुबह 20 मिनट के लिए छात्र और शिक्षक जो इकट्ठे होंगे, सुबह की सभा की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ होगी। छात्रों के बीच एकता और अनुशासन की भावना पैदा करने के मकसद से ऐसा किया गया है। और एक और खबर यह भी आ रही है कि कुछ लोग खुश हो रहे थे इस आतंकवादी हमले से भी। आप हैरान हो जाएंगे जो खबर अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। जम्मू आतंकवादी हमले की तारीफ करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल आतंकवादियों के समर्थन में इसने पोस्ट किया था, इसने लिखा था बहुत अच्छा हुआ, अब पता लगेगा इसको सेना पुलिस बताएगी कितना अच्छा हुआ, अब इसके साथ कितना अच्छा होगा। इसने पोस्ट करा था जम्मू अटैक को लेकर, ये देखिए, ऑल आइज ऑन वैष्णो देवी अटैक, और नीचे इसने लिखा था बहुत अच्छा हुआ। ये देखिए, इसने जम्मू आतंकी हमले पर लिखा था, ये हमारे अंदर के लोग हैं साहब, जो बिपिन रावत CDS, उन्होंने कहा था ना कि 2.5 मोर्चे पर लड़ रहे हैं हम, चीन पाकिस्तान और आधा इधर बैठा घर के अंदर। ये आप शर्मसार कर देने वाली ये खबर है। ये घर के अंदर कुछ बैठे हुए हैं, ये गद्दार बैठे हुए हैं, इनको गद्दार कहने में कोई बुराई नहीं है, ये गद्दार है, इसका चेहरा देखिए। इसने पोस्ट किया बहुत अच्छा हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, मतलब हमारे जो है 9 लोग मारे गए, 9 हमारे श्रद्धालु मारे गए, आतंकवादी पाकिस्तान के, आतंकवादियों से कम नहीं है ऐसे लोग, ये यहीं आपके आस पड़ोस हो सकते हैं। और इसने पोस्ट किया, लिखा बहुत अच्छा हुआ, अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, बहुत अच्छा हुआ लिखा था इसने। गोरखपुर, इसका नाम है अरमान, जी हाँ, अरमान नाम है इसका। गोरखपुर से अरमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, माहौल बिगाड़ने के आरोप में अरमान अरेस्ट। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल जब्त किया और IT एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। बहुत अच्छा हुआ था, इसने लिखा था बहुत अच्छा हुआ। वैसे पिछले कश्मीर में पिछले कई कुछ सालों से चल रहे ऑपरेशन ऑल आउट का असर भी अब दिखने लगा है। वहां आतंकवादियों की भर्ती लगभग बंद हो चुकी है और लोकल सपोर्ट भी ना बहुत कम है। आतंकवादियों के सर्वनाश के बाद शांति जो है वो बहाल हो रही है। इसकी एक तस्वीर आज, अच्छा एक तस्वीर आप ध्यान से देखिएगा, शोपियान, ये शोपियान की तस्वीर जो है, ये आप कह सकते हैं आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का आह्वान चल रहा है। दक्षिण कश्मीर के शोपियान में एक मंदिर की तस्वीर आई, 35 साल से यहां पर हवन पूजन नहीं हुई थी शोपियन, आतंकवाद की वजह से। जम्मू कश्मीर शोपियां 35 साल से यहां हवन और पूजन नहीं हुआ था, पहली बार हवन और पूजन का आयोजन किया गया। कश्मीर में आतंकवादियों की धमकी दहशत की वजह से यह मंदिर 35 साल से बंद था। यह मंदिर कश्मीर में शांति के लिए वहां पर हवन हो रहा है शोपियां में। कश्मीर में आतंकवाद की कमर टूट रही है, इसलिए जम्मू की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ जम्मू के जंगलों में आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। रियासी डोडा में हमला करने वाले आतंकवादी किसी भी बिल में छिप जाए, उन्हें मिल निकाल कर दहन करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। चार दिन में 4 हमले, जम्मू में लगातार हो रहे आतंकी हमलों से लोगों का खून खौल उठा है।
हर तरफ अब आतंक के दहन की आवाज गूंज रही है। बीते चार दिनों में जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर आतंकी हमले हुए। सुरक्षा बल एक एक कर आतंकियों को ढूंढकर उन्हें कब्र में दफन कर रही है, लेकिन जम्मू के जंगलों में छिपे आतंकियों के मंसूबे इन्हीं हमलों तक नहीं रुके हैं, वो किसी बड़े मकसद से पाकिस्तान की तरफ से दाखिल हुए हैं। इस बीच 11 जून की रात चेकपोस्ट पर हमला करने वाले चार संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि ये आतंकी भद्रवाह, थाथरी, गंदोह के ऊपरी इलाकों में हो सकते हैं, जिनकी तलाश में पूरे डोडा में सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। जम्मू कश्मीर में आतंक के ताबूत में आखिरी कील का पूरा प्रबंध हो चुका है और ये देखकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। जिस तरह से आतंक का जहर खत्म होने लगा, इसलिए पाकिस्तान ने आतंकियों को नया टारगेट दे दिया। जैश, लश्कर और अलबद्र ने भारतीय नाम के साथ छोटे संगठन खड़े किए जो LU3 के नाम से काम कर रहे हैं। कश्मीर फ्रीडम फाइटर, कश्मीर टाइगर्स जैसे आतंकी संगठन ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग नामों से हमले कर रहे हैं, लेकिन ये जैश, लश्कर और अलबद्र की ही साजिश है। वो तो मरेंगे, उनका कोई आगे पीछे नहीं है। उनके बाल बच्चों को छोड़ के वो है भी कि नहीं हमें पता नहीं है। जेलों से उठा के ला रहे हैं, किसको ला रहे हैं। यहाँ के लोग जो उनको सपोर्ट करने के लिए बीच बीच में कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पछताएंगे, क्योंकि उनके घर वाले, उनका स्टेक यहाँ पे, उनकी ज़मीन है, उनकी जायदाद है, उनकी नौकरी है, उनके बगीचे हैं, तो वो इसमें देश के विरुद्ध अगर कोई इस तरीके से काम करेगा बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएगा। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का फाल्कन बैन जम्मू कश्मीर को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश है। लश्करे तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 50 आतंकियों को मिलाकर एक ग्रुप तैयार किया गया है। इन्हें जंगल वॉरफेयर के लिए पूरी तरह से ट्रेन किया गया है। स्नाइपर हमला, हमले के बाद जंगल में छिपना और घात लगाकर हमला करने के लिए इन्हें ट्रेनिंग दी गई है। मौसम जब सारे पासेस की बर्फ पिघल जाती है तो ऐसे समय में इन्फिल्ट्रेशन और तमाम तरीके के जो उनके सपोर्ट है, एमिनिशन और जो एक्सप्लोसिव है, उसको आसानी से इन्फिल्ट्रेट किया जा सकता है। तो सारे पासेस खुले हुए हैं और पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग कैंप में जो आतंकवादी ट्रेन हो रहे हैं, इस समय वो मौके की तलाश में रहते हैं इन्फिल्ट्रेट करके हिन्दुस्तान के इलाके में घुस के आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे। एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह है JNK में एक इलेक्शन ड्यू है, उस इलेक्शन को कैसे जोपडाइज करना है, कैसे उसमें बाधा पहुंचानी, उसके लिए इस तरीके की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। यही नहीं, खबर ये भी है कि ये फाल्कन 50 ग्रुप अब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को अपना निशाना बना सकता है। इन आतंकियों को जम्मू में रह रहे अंडरग्राउंड वर्कर मदद कर रहे हैं और उन्होंने इन्हें आसरा भी दिया है। लेकिन अब जब ISI के फाल्कन 50 ग्रुप के सारे इनपुट सुरक्षा एजेंसियों को मिल चुके हैं, तब इनके अंत का खाका भी तैयार हो चुका है। सुरक्षा बल और सेना भी तैयार है इन आतंकियों के सीने में बारूद भरने के लिए। उधर टैंकर माफियाओं पर एक्शन को लेकर क्या कह रही है दिल्ली सरकार, क्या कह रही है भारतीय जनता पार्टी, दिखाएंगे आपको। जैसा आप सब जानते हैं, अरविंद केजरीवाल जी को अपने से ज्यादा चिंता दिल्ली वालों की। कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाते हुए दिल्ली गवर्नमेंट को यह भी कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। अगर दिल्ली की जनता की थोड़ी भी चिंता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारत सरकार और हरियाणा और हिमाचल से बात करके इस के पानी की समस्या का समाधान करना चाहिए। अब तो सबूत भी सामने आ चुका है
कि जब पानी हरियाणा से दिल्ली आता है उसी स्तर पर उसी लेवल का पानी आता है तो उसे चुराने का काम दिन दहाड़े होता है और वो भी आम आदमी पार्टी की सरकार के संरक्षण में होता है। जब तक ये जो क्राइसिस चलता रहेगा तब तक वी विल एंश्योर कि यहाँ से कोई ऐसा इलीगल काम ना हो। पानी देना दिल्ली सरकार का काम है और आप लोगों ने सिर्फ लूट किया है। आपको शराब पिलाने में इंटरेस्ट हो जाता है, पानी पिलाने में जितना उनका हक है उससे ज्यादा पानी हम दे रहे हैं। हमें सभी दिल्ली वासियों को पानी पहुंचाना है तो हम जितना कम पानी यूज करेंगे उतना हमारे पड़ोस वाले बाकी दिल्ली में रहने वालों को भी पानी उपलब्ध होगा। और देखिए दिल्ली के कई इलाकों में अब भी पानी की जबरदस्त किल्लत है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, जल संकट है, बूंद बूंद के लिए जो है लोग तरस रहे हैं। वहीं आपको बता दें दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि टैंकर माफिया हरियाणा में सक्रिय है और उन पर कार्रवाई दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उन पर कार्रवाई दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। दरअसल दिल्ली में जल संकट को सुप्रीम कोर्ट ने अपर रिवर यमुना बोर्ड के पास भेज दिया है और आदेश दिया है कि नियमित सुनवाई करके मामले का निपटारा किया जाए। ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली है, पीछे तस्वीरों पर नजर रखिएगा, टैंकर आता नहीं कि लोग उस पर चढ़ जाते हैं, मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा। उधर दिल्ली को पानी भेजने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है, जिसके बाद हिमाचल सरकार ने कोर्ट से माफी मांगी और टैंकर माफियाओं पर लगाम के लिए दिल्ली पुलिस ने मुनक नहर के पास पेट्रोलिंग शुरू कर दिया। साहब मतलब पानी की पहरेदारी, पानी चोरी हो रहा है, पानी की पहरेदारी करनी पड़ रही है। अब आपको दिल्ली के जल संकट क्या है और क्यों है ये हम आपको बताएंगे कि आखिर सरकारें इस मसले पर क्या कर रही हैं, कौन किसको टोपी पहना रहा और क्या जनता को टोपी पहनाई जा रही है, दिल्ली वालों को, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ऐसा करिए तस्वीरें दिखाइए, फुल स्क्रीन पर दिखाइए तस्वीरें, ये कहां की तस्वीरें बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ऊपर पढ़िए लोकेशन साहब, लोकेशन पढ़िए, ये चाणक्यपुरी है, आप समझ रहे हैं चाणक्यपुरी का ये हाल है, ये दिल्ली के किसी गांव या पिछड़े इलाके की नहीं है, ये पौश इलाका है साहब चाणक्यपुरी। ये देखिए आप, वो इलाका जिस पर देश ही नहीं दुनिया की नजर रहती है, इलाके में दुनिया के कई आप देशों के डिप्लोमेट्स राजनयिक यहाँ पे रहते हैं, उस इलाके का ये हाल। ये देखिए टैंकर आया यहाँ पर, ये देखिए लोग वहां पर दौड़े और फिर पाइप डाल डाल के सैकड़ों की भीड़ वहां पर, किसी के हाथ में लोटा है, किसी के हाथ में ये देखिए पाइप है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि दिल्ली में पानी की एक एक बूंद के लिए ना लोग किस तरह परेशान है, बूंद बूंद के लिए। पानी के टैंकर आते ही उस पर धावा बोलने वाले लोग इतने मजबूर है कि वो टैंकर के मतलब वहां पर खड़े होने का इंतजार भी नहीं करते। ये देखिए आप तस्वीरें, क्या पता पानी मिले ना मिले, ये हाल है दिल्ली का। चलते टैंकर पर चढ़ती भीड़ को देखिए, देखते ही देखते टैंकर से भिजते पाइपों के जाल, पाइपों का जाल देखिए, ये पाइपों का जाल, पाइपों का जाल देखिए आप, मतलब हाथों में एक से ज्यादा गैलन भरते लोग हैं, भागते लोग हैं। ये चाणक्यपुरी है, ये उधर कोई ऐसा इलाका नहीं मैं बता रहा हूँ, ये चाणक्यपुरी की तस्वीर है, देश की राजधानी और राजधानी का सबसे पॉश इलाका साउथ का, साउथ है चाणक्यपुरी, मतलब ये वो दिल्ली है जहाँ के लोग थोड़ी अकड़ के साथ देश भर के लोगों को बोलते हैं कि वो दिल्ली में रहते हैं, ये वो दिल्ली है जहाँ के लोगों को ये अभिमान होता है कि हम तो राजधानी में रहते हैं, मतलब पूरा देश दिल्ली से चलता है, फैक्ट भी है साहब राजधानी है, मतलब दिल्ली का हाल। इसकी वजह क्या है आपको सिलसिलेवार तरीके से आज मैं समझाऊंगा। सबसे पहले बात दिल्ली के जल लुटेरों की करते हैं, टैंकर माफिया, जल लुटेरे, टैंकर माफिया, ये वो लुटेरे हैं जिनके सामने सरकार सिस्टम, मैं कहूंगा बुरा लगेगा, सरेंडर मोड में है, सरेंडर मोड में कुछ सारा सिस्टम फेल हो गया इन टैंकर माफियाओं के आगे। कम से कम तस्वीरें तो यही बता दी, इनका क्या कसूर है, सरकार का बयान भी हमारे दावों को सही साबित करता है। दिल्ली में जल संकट पर सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट, कल दिल्ली सरकार को फटका लगाते हुए कहा कि टैंकर माफियाओं के खिलाफ एक्शन की जानकारी मांगी, कहा कि आपसे नहीं हो पा रहा है तो हम दिल्ली पुलिस को कहेंगे, बता दीजिए आम आदमी पार्टी की सरकार आपसे नहीं हो रहा तो हमें बताइए। सुप्रीम कोर्ट, उम्मीद थी कि आज सरकार बताएगी उसने कब कब और कहां कहां इन टैंकर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है, क्या हुआ आज। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जो जानकारी दी उसके मुताबिक दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया कि वो इन टैंकर माफियाओं पर कार्रवाई नहीं कर सकती। दिल्ली सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि टैंकर माफिया हरियाणा में सक्रिय है, वो यमुना की उस तरफ है, हरियाणा की तरफ, और हम उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते, वो इलाका दिल्ली के बाहर का है। ऐसे में वो टेक्निकली
सुन लीजिए दिल्ली वालों, टेक्निकली दिल्ली सरकार टैंकर माफियाओं पर कार्रवाई नहीं कर सकती। बीजेपी कहते हैं मिली भगत है, करेंगे नहीं कार्रवाई। सवाल यह है कि आखिर दिल्ली में जल संकट की असल वजह है क्या? पहली वजह है कि दिल्ली का अपना पानी का कोई स्रोत नहीं। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, अपना पानी का कोई स्रोत नहीं। क्या होता है, पानी के लिए दिल्ली को अपने पड़ोसी राज्यों पर डिपेंड रहना पड़ता है। यहाँ पानी को लेकर यहाँ कोई ठोस प्लानिंग भी संभवता नहीं है। रही सही कसर टैंकर माफिया पूरी कर देते हैं। पानी की बर्बादी, पानी की चोरी, कितना पानी बर्बाद हो जाता है। दिल्ली का के पास अपना कोई जल स्रोत नहीं है, इसलिए पानी के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर होते हैं। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक, कुछ आंकड़े सुनिए, इस साल दिल्ली हर दिन 32 करोड़ गैलन प्रतिदिन पानी की कमी से जूझ रही है। 32 करोड़ गैलन पानी की कमी। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक राज्य को प्रतिदिन 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत होती है। हर दिन 129 करोड़ गैलन, ठीक, लेकिन गर्मियों में केवल 97 करोड़ गैलन प्रतिदिन की मांग पूरी हो पा रही है। 97 चाहिए 129, मतलब दिल्ली की करीब 3,30,00,000 की आबादी को हर दिन 129 करोड़ गैलन पानी चाहिए, लेकिन उसे सिर्फ 97 करोड़ गैलन पानी मिल रहा है। समझ गए आप, दिल्ली पानी के लिए मुख्य रूप से कहां किस पर डिपेंड है, ये पता होना चाहिए आपको। अपने पड़ोसी राज्य, मैप को ध्यान से देखिएगा, पड़ोसी राज्य हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश पर निर्भर है। इन राज्यों से दिल्ली में पीने के पानी की करीब 90% आपूर्ति होती है। 90% हरियाणा सरकार दिल्ली को यमुना नदी से पानी छोड़ती है, यूपी सरकार गंगा नदी से, पंजाब सरकार भाखड़ा नांगल डैम से दिल्ली को पानी की कमी पूरी की जाती है। ये ABCD समझा रहा हूँ, पूरा विवाद आप समझ जाएंगे कि आज इसके पीछे वजह क्या है। अब 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली को हर दिन यमुना से लगभग 38.9, मतलब आप 39 करोड़ गैलन, गंगा नदी से 25 करोड़ गैलन, भाखड़ा नांगल से, रावी व्यास नदी से 22 करोड़ गैलन पानी मिलता है। इतना पानी मिलता है, ठीक है। और दिल्ली में पानी के संकट की वजह तो सबको पता है, हर कोई जानता है। अव्यवस्था कह लीजिए, पुअर प्लानिंग कह लीजिए, लेकिन केजरीवाल जी को जब जेल में होते हैं बड़ी चिंता होती है। बाहर थे तो प्रचार में बिजी थे, जेल पहुंचते ही फिर से पानी की चिंता हो गई है। सवाल ये कि आखिर इसका समाधान क्या है, आखिर सरकार के दावों का क्या, जिसे पूरा करने का उसका वादा कई बार किया। दिल्ली में करीब 10 साल से ना केजरीवाल की सरकार है। अब कुछ लोग कहेंगे हम क्यों भाई टारगेट क्यों कर रहे हैं, ये तो भाई पानी वहां से नहीं मिल रहा। साहब जिम्मेदारी तो सरकार की होगी ना, अब टकराव अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट से है तो दिल्ली वाले क्यों भुगते हैं भैया, आपकी सरकार बनाई दिल्ली वालों ने, अब आप दीजिए पानी। सरकार की जिम्मेदारी है ना, आम आदमी पार्टी की। खुद CM भी कई बार ना सिर्फ पानी की समस्या को खत्म करने का वादा कर चुके हैं, बल्कि वक्त भी कई बीत चुका है, हालात जस के तस बने हुए हैं। केजरीवाल ने हर घर में टोटी का वादा किया, हर टोटी से पानी पूरा नहीं हुआ। केजरीवाल जी ने दिल्ली में 26 झील बनाने का वादा किया, क्या हुआ? केजरीवाल जी ने दिल्ली में 380 वाटर बॉडी बनाने का वादा किया था, क्या हुआ? केजरीवाल जी ने 23 झीलों को पुनर्जीवित करने का वादा किया था, क्या हुआ? केजरीवाल जी ने 250 जलाशयों को पुनर्जीवित करने का वादा किया था, क्या हुआ? कोई जानकारी नहीं। पिछले 10 वर्षों में केजरीवाल के वादों की यह सच्चाई सबके सामने है, लेकिन चिंता में कोई कमी नहीं है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी ने आज तिहाड़ में मुख्यमंत्री केजरीवाल से मुलाकात की। केजरीवाल जी बहुत चिंतित हैं, बताया कि CM ने उन्हें बुलाया था और दिल्ली में पानी के संकट को जल्द से जल्द दूर करने के कदम उठाने का ऑर्डर दे दिया, जैसे उनका इंतजार हो रहा था कि जब तक ऑर्डर नहीं देंगे तब तक कदम नहीं उठाएंगे क्या। उन्होंने मुझे क्लियर डायरेक्शंस दी हैं कि जो जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है वो जल्द से जल्द उठाए जाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी MLAs को डायरेक्शन दी है उन्होंने कि सभी MLAs ग्राउंड पर जाएं, पब्लिक के बीच में रहें और जहाँ जहाँ पे भी वो जिस प्रकार से पानी पहुँचवाने में मदद कर सकते हैं सारे MLAs को ग्राउंड पर रहना है और लोगों की जो पानी की परेशानी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि पानी उनको पूरा दिया जाए और वो उस पानी का कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वो उनकी जिम्मेवारी है। कहीं पर भी लार्ज स्केल लीकेज नहीं है, अगर लीकेज होती है तो वो 12 घंटे के अंदर अंदर रिपेयर होती है। दूसरा, कहीं लीकेज होती है तो तुरंत जो हमारा डेटा सेंटर है दिल्ली जल बोर्ड का, वहाँ पर वो इंफॉर्मेशन आती है। तो अगर आपको बताया जा रहा है कि लार्ज स्केल लीकेज है तो ये सूचना गलत है, ये बिल्कुल अफवाह है। मैं पूछना चाहती हूँ दिल्ली सरकार से और माननीय मंत्री आतिशी जी से, ये बहानेबाजी कब तक चलेगी?
आप कब एयर कंडीशनड प्रेस वार्ताओं के कमरों में से बाहर निकलकर जनता के बीच में जाकर काम करेंगे? आप कब जाकर दिल्ली जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे? और उधर नीट विवाद को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। बड़ी खबर है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब दिया है। खड़गे ने नीट परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के आरोप लगाए थे, जिसके जवाब में धर्मेंद्र प्रधान ने पोस्ट करके कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। क्या कहा है उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली, भ्रष्टाचार या पेपर लीक का कोई सबूत नहीं सामने आया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि छात्रों के भविष्य पर तो कम से कम राजनीति करना बंद कीजिए, कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है। ये धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिया कि कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है राजनीतिक रोटियां सेकने के बजाय, कांग्रेस को भारत के विकास में योगदान देना चाहिए। देखिए, नीट के रिजल्ट को लेकर किस तरह देश भर में हंगामा मचा हुआ है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज क्या हुआ है। आज क्या हुआ है सुन लीजिए, बड़ी खबर है नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में। आज क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में आज नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर दायर तीन याचिकाओं पर सुनवाई हुई, तीन याचिकाओं पर, जिसके बाद नीट में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को दो ऑप्शन दिए गए, दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन, जिन 1563 छात्रों को, ध्यान से सुनिएगा, टाइम लॉस के बदले ग्रेस मार्क्स दे दिए गए, उनके स्कोर कार्ड अब निरस्त कर दिए जाएंगे। अब कोई ग्रेस मार्क्स वाला भूल जाइए, ग्रेस मार्क्स किसी को नहीं मिले, अब वो माइनस हो गया, लेकिन वो चाहे तो दोबारा एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि 1563 छात्र दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। एनटीए 23 जून को इन छात्रों के लिए री एग्जाम कराएगा, जिसका रिजल्ट 30 जून तक घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन, आप एग्जाम दे दीजिए, अगर कहते हैं कि नहीं हमको एग्जाम नहीं देना साहब, हमको बिना ग्रेस मार्क्स वाले, मतलब ग्रेस मार्क्स आप हटा दीजिए तब भी हम इस रिजल्ट से खुश हैं, तो आप खुश रहिए, आप मत दीजिए एग्जाम, समझ गए? मतलब लब्बोलुबाब मैं आपको बता देता हूं, कुल मिलाकर समझ लीजिए, मतलब यह कि ग्रेस मार्क्स जो पहले 1563 छात्र को दे दिए गए थे वो खत्म, समझ गए? छात्रों को दोबारा परीक्षा के दो विकल्प, दोबारा एग्जाम दे दीजिए, ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे, या बिना ग्रेस मार्क्स वाले मार्क्स एक्सेप्ट कर लीजिए, दो ऑप्शन। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इंकार कर दिया, यह आज की खबर है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी, 8 जुलाई। देखिए, बड़ी बात यह है कि नीट परीक्षा में धांधली को लेकर ना पिछले कुछ दिनों से जो आरोप लग रहे हैं ना, जो बार बार मांग की जा रही है, नीट को क्लीन करो, नीट को क्लीन करो, ये क्या मांग की जा रही है, जो आरोप लग रहे हैं वो मैं आपको ABCD समझाऊंगा। ये कहा जा रहा था कि नीट का पेपर लीक हुआ, ये आरोप लग रहे थे। फैक्ट ये, धर्मेंद्र प्रधान ने बता दिया कोई लीक नहीं हुआ साहब, कोई सबूत नहीं है पेपर लीक के, जिसकी वजह से नीट का एग्जाम देने वाले करीब 24 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया, नीट का पेपर एग्जाम लीक हो गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज सारे कंफ्यूजन को दूर कर दिया, उन्होंने साफ किया कि नीट की परीक्षा में किसी भी तरह का कोई घोटाला, कोई धांधली, कोई लीक, कोई पेपर लीक के कोई सबूत नहीं है। तो एक तो फेक न्यूज फैलाना बंद कर दीजिए, कोई अगर फैलाता है तो सिमांगे बताइए कहां पर, कोई लीक के कोई सबूत नहीं है। क्या उन्होंने बताया गड़बड़ कहां हुई, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। 4500 सेंटर्स में होती है नीट की परीक्षा, उसमें से 6 एग्जामिनेशन सेंटर्स में गलत पेपर बांटे गए, वो उन्होंने माना गलत पेपर बांटे गए। फिर जब गलती का एहसास हुआ तो पेपर वापस लेकर दोबारा बांटे जा रहे थे, तो छात्रों का ना समय बर्बाद हुआ। उन 6 सेंटर्स में छात्र थे 1563, तो उन 1563 को टाइम लॉस के बदले में ग्रेस मार्क्स दे दिए गए, विवाद हो गया, जिसकी वजह से कुछ छात्रों के नंबर 100% आ गए, 720 में से 720, यही विवाद शुरू हो गया। अब इतने आसान तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा, आप समझ गए, टाइम लॉस हुआ, गलत पेपर पड़ गया, 6 सेंटर में 1563 छात्र थे, तो पेपर जब रियलाइज हुआ वापस लिया, दूसरा दिया, टाइम बर्बाद हुआ, टाइम लॉस हुआ, उस पर ग्रेस मार्क्स दे दिए, बच्चों के आगे 720 में से 720, ये हुआ है बस। ये भी आरोप लगाया गया कि कांग्रेस पार्टी दरअसल ये राजनीति कर रही है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उन्हें भड़का रही है, पूरे विवाद को सियासी रंग दिया जा रहा है। सुनिए, मैं आपको विनम्रता से कहूँ, पेपर लिखी कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, ऐसा कुछ कोर्ट के सामने आएगा निश्चित रूप से, कोर्ट में हुआ है। ये 24 लाख बच्चों के जिंदगी का, खास तौर से जो गरीब बच्चे या नौकरी पेशा माँ बाप के बेटा बेटी हैं, या छोटी सी दुकान या व्यवसाय करने वाले लोगों के बेटा बेटी हैं,
या फिर SCBC समाज के हमारे नौजवान युवा और युवतियां हैं, इनके भविष्य के साथ एक षड्यंत्र के तहत खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए, नीट का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये अंडर ग्रेजुएट लेवल पर एक नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है। आप सभी जानते हैं नीट परीक्षा मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है, जो स्टूडेंट्स की संख्या के लिहाज से देश की सबसे बड़ी परीक्षा, सबसे बड़ा एग्जामिनेशन। NTA कराता है इसे, NTA नीट को NTA कराता है। इसके जरिए भारत, रूस, यूक्रेन समेत और भी कुछ देशों में MBBS, BDS और अन्य मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। इसमें 4500 सेंटर्स होते हैं, 4500 सेंटर्स। 6 में प्रॉब्लम हुई थी। ये परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA आयोजित करती है, जैसा मैंने आपको बताया। अब आप देखिए नीट परीक्षा को लेकर पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ। ऐसा पहली बार हुआ जब नीट, ये बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, नीट की परीक्षा में 67 स्टूडेंट्स के 720 से 720 आ गए, टोटल मार्क आ गए 100%, 720 में से पूरे के पूरे 720 नंबर हासिल कर लिए। अच्छा, ये देखिए आप ग्राफिक्स, जिस परीक्षा में हर साल लाखों छात्र बैठते हैं, 1, 2, 3, 4, मतलब ये 3 मैक्सिमम था, आज तक 3 ही छात्रों के मैक्सिमम आए हैं 720 में से 720, 3 मैक्सिमम। इस बार 2024 में देखिए कहां पहुंच गया, 67। ये आंकड़े आप समझ रहे हैं, 2020 में 1, 2021 में 2, 3 छात्रों के आते थे हमेशा 720 में से 720, इस बार देखिए 2024 में 67, 720 में से 720। ये मतलब लोग हैरान हो गए, ये कैसे हो गया, कोई गड़बड़ी हो गई, ये ग्रेस मार्क्स का खेल था साथ। इसके अलावा हर साल नीट की परीक्षा में 650 से ज्यादा नंबर पाने वाले करीब 45 से 50 हजार छात्र होते थे। इस बार ऐसे छात्रों की संख्या अचानक से मतलब बढ़कर तिगुना हो गई, 1.5 से 2 लाख हो गई। आखिर ऐसा मतलब कैसे हो सकता है, लोगों ने सवाल उठाया कि किसी परीक्षा में अचानक इतने सारे छात्रों का प्रदर्शन, मतलब प्रदर्शन जो है इतना अच्छा हो गया, प्रदर्शन एजिटेशन नहीं, प्रदर्शन परफॉर्मेंस, इतना अच्छा परफॉर्मेंस, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरी बात यह कि देश भर के 4500 सेंटर्स पर नीट की परीक्षा कराई गई थी, जिसमें करीब 24 लाख छात्र शामिल हुए, लेकिन टोटल मार्क्स पाने वाले 67, ये सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 67 टॉपर्स में से 6 टॉपर एक ही सेंटर के निकले, 6 टॉपर एक ही सेंटर, हरियाणा के झज्जर से निकले। अब ये हो भी सकता है, मतलब पता नहीं, हो भी सकता है एक ही सेंटर के इतने मेधावी छात्र निकला है। अब इसी सेंटर के जो दो छात्र ऐसे भी जिन्हें 718 719 नंबर मिले, कुल मिलाकर 8 छात्र एक ही सेंटर के जो टॉपर, मतलब रैंकिंग में टॉप पर आए। अब विवाद कहां हो रहा है, ये बहुत जल्दी से मैं आपको समझा देता हूं विवाद क्या है। विवाद ये कि नीट की परीक्षा में ना नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव, जिसमें सही जवाब पर 4 मार्क्स मिलते हैं, गलत जवाब पर 1 नंबर कट जाता है। अब अगर कोई छात्र अगर 180 प्रश्नों के सारे सही उत्तर दे दे तो उसे 720 में से 720 मिलेंगे। अब अगर एक भी गलत हो जाता है तो फिर क्या होगा, एक गलत हो गया तो 4 से 5 नंबर कट जाएंगे, 720 में से 715 मिल सकते हैं मैक्सिमम, एक गलत, या तो फिर 718-19 का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसी को लेकर विवाद हुआ, बवाल हुआ, और यह सफाई दे दी गई है कि कोई गड़बड़ नहीं है, ये बस कुछ क्लैरिफिकेशन हुआ, अब दोबारा एग्जाम 1563 छात्र दे पाएंगे। उधर लखनऊ के अकबर नगर में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का चौथा दिन है, चौथा दिन भाईजान भड़क गए। अतिक्रमण पर बुलडोजर चला तो क्यों भड़क गए ओवैसी? क्या लखनऊ के अकबरपुर में सिर्फ मुसलमानों के घर पर चला प्रशासन का बुलडोजर? आखिर क्या है असदुद्दीन ओवैसी का दावा और इस दावे के पीछे कितनी सच्चाई है, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको लेकर चलते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ का अकबरपुर इलाका, जहां 3 दिन से प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। लखनऊ के अकबरपुर में कुकरेल नदी पर अवैध कब्जे के बाद बने घरों को खाली करके तोड़ा जा रहा है, और ये सब हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। यहां एक दो नहीं, करीब 1100 घर और कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त करके उसे समतल किया जा रहा है। ये देखकर असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला और कहा कि चुनाव खत्म होते ही मुसलमानों को टारगेट किया जाने लगा। पहले आप AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का गुस्सा देखिए, जो उन्होंने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ लिखा है। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा, चुनाव के नतीजों के बाद मुल्क के कई हिस्सों में मुसलमानों पर हमले बढ़ रहे हैं,
उत्तर प्रदेश में दो मौलानाओं का कत्ल कर दिया गया, लखनऊ में अकबर नगर में मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया, क्या संघ परिवार मुसलमानों से बदला ले रहा है? असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि लखनऊ के अकबरपुर में मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाए गए, लेकिन ओवैसी के बयान का सच क्या है ये भी देखने की जरूरत है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अकबर नगर में अतिक्रमण करने वाले लोगों की लिस्ट का पोस्टर लगाया है, इसमें 1100 से ज्यादा लोगों के नाम हैं। हालांकि ये मुस्लिम बहुल आबादी है, लेकिन यहाँ सैकड़ों की संख्या में हिंदू भी हैं, जिन्होंने कुकरेल रिवर फ्रंट पर अतिक्रमण किया है। इन सभी मकानों को जिनके मकान तोड़ा जा रहा है उन्हें जो है पीएम आवास योजना के तहत घर भी दिया जा रहा है, विस्थापित भी किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए श्री ओम प्रकाश कश्यप हैं, श्री आकाश वाल्मीकि हैं, श्री सतीश कुमार हैं, श्री खुर्शीद अली है, तो इस तरीके से नाम है यहाँ पर आप देख सकते हैं। मुसलमानों पर जुल्म की बात करते ओवैसी ये भूल गए कि जिन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं उन्हें बिना आश्रय के छोड़ा नहीं जा रहा। अतिक्रमण ध्वस्त करने से पहले लोगों के लिए यहाँ विशेष कैंप लगाया गया है, जहाँ उन्हें प्रधानमंत्री आवास के नए घर भी दिए जा रहे हैं। ओवैसी नफरत की बात करते हैं, ओवैसी नफरत फैलाने की बात करते हैं, और इसी नाते इस चुनाव में ओवैसी को जनता ने खारिज किया है। रही बात अकबर नगर की, तो निश्चित रूप से वो नाले पर अवैध कब्जा करके लोगों ने घर बनाया था, सरकार ने उनको विस्थापित करने से पहले उनको मकान दिया है, उनके निवास का व्यवस्थित प्रबंध किया है और फिर अवैध कब्जा हटाया जा रहा है। हालांकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि चुनाव खत्म होते ही अकबरपुर में बुलडोजर क्यों चला? सवाल ये भी है कि लखनऊ जैसे शहर में इतनी बड़ी बस्ती और दुकानें कैसे बन गई और किसी ने उन्हें रोका क्यों नहीं? इस पर बीजेपी का आरोप है कि साल 2012 में कुकरेल नदी के दोनों तरफ अवैध बस्ती बसाने का काम शुरू हुआ, जब यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। उस वक्त भूमाफिया ने रसूख और साठगांठ से नदी के दोनों तरफ अवैध बस्ती बसा दी। बस्ती जब पूरी तरह बनी तो वहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गए। जांच में पता चला कि यहां के 73 कब्जेदार करोड़पति हैं और 300 घरों को किराए पर दिया गया है। जैसे जैसे खाली होता रहे हम लोग गिरा रहे हैं। पर्याप्त पुलिस बल पीएसी और आरएएफ के लोग हैं और लॉजिस्टिक्स में भी एलडीए नगर निगम पूरी तरह से कर्मचारी अधिकारी सारे लोग हैं, जेसीबी मशीनें। जबकि सरकारी आदेश के मुताबिक यहाँ ना तो रिहायशी निर्माण की इजाजत है और ना ही व्यवसायिक निर्माण की। योगी सरकार में कुकरेल नदी के इलाके में रिवर फ्रंट का प्रपोजल पास हुआ, लेकिन अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई का लोगों ने विरोध शुरू कर दिया, हंगामा भी हुआ। ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट भी गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण वाली जगह को खाली करने का आदेश जारी किया।